हेलो हेलो हाँ तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा सुनो, तुम्हें लेने आ रहा हूँ, इस बार मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मम्मी का तो दिमाग खराब हो गया है, और मैं किसी से शादी वादी नहीं कर रहा, मैं क्यों करूंगा किसी से शादी? तो तुम्हारा दीवाना। अच्छा तुम तो मेरे दीवाने हो, जब भी उन लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो, पागल समझते हो मुझे? अच्छा बताओ, तुम्हारे ससुराल वालों को कब बुलाए, कल या परसों? आपने ये बात करने के लिए मुझे बुलाया था? वो बात अलग है, लेकिन ये भी उतनी जरूरी है, तुम बात को टाल क्यों रही हो? इन्हीं सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ, और अगर वो खताकार निकली तो जा तुझे माफ किया। गेती बेबी, बदर बेटा आए। अच्छा किया बदर तुम आ गए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। जी सर, कहिए। अरे ताया बू, अभी तक बदर भाई आपको सर कहते हैं, अब तो आप उनके ससुर हैं। भाई मैं फोर्स नहीं करता, जिसमें इसको आसानी हो वो कह लिया करे। खेती तुम भी कुछ नहीं कहती क्या? वो दरअसल मैं शुरू से सर ही कहता आया हूँ ना, तो अंकल कहते हुए थोड़ी मुश्किल होती है मुझे। बदर की जो मर्जी उसे वही कहने दो। ओहो, बड़ी साइड ली जा रही है। भाई मुझे तो अपनी बात मुकम्मल करने दो। बदर, इस हफ्ते हम एक दावत का एहतमाम कर रहे हैं। ये समझें कि हमने गेती की रुखसती का इंतजाम किया। नीलम सही कह रही है, तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने डिनर हमारे साथ करना है। लेकिन सर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है ना, बस अब इनकार नहीं चलेगा। जी सर। और बदर भाई आपको उस दिन तैयार होकर आना होगा, आखिरकार आप दुल्हन लेकर जा रहे हैं। और दूध पिलाई की रस्म के बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और हाँ, आज आप गेती को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। मुझे लगता है बदर भाई तो बिल्कुल उदास हो गए। क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं, कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। ऐसी क्या बात है बदर जो पूछने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? वो जमशेद ने, तो यानी कि जमशेद ने मुझ पर फिर कोई इल्ज़ाम और बहतान लगा दिया, और तुमने और अम्मी ने उसकी बात पे यकीन कर लिया है ना? दरअसल गेती उसके पास सबूत मौजूद है। कैसे सबूत पता? और तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने उन पे यकीन कर लिया है। गेती तुम पर, मुझे तुमसे ज़्यादा यकीन है। आंखों देखी बात हजम नहीं। कैसी आंखों देखी बात? हाँ? वो
वो कहता है तुम अभी भी छुप छुप के समीर से मिलती हो, और अम्मी का भी यही कहना है कि ये उसी दिन की बात है जब तुम अपनी सहेली की बीमारी का कह के गई थी। इसीलिए मुझे अवॉइड कर रहे थे, इसीलिए मेरे मैसेजेस मेरी कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। से पूछ लिया होता बदर, मैं तुम्हें खुद से कुछ बता देती थी। तो आप बता दोगे थी क्या सच है? नहीं बदर, ये तुम नहीं बोल रहे, ये रानिया अम्मी और जमशेद की जबान है। मैं अपने मदर को तो बता ही देती हूँ, लेकिन उन लोगों को सफाई नहीं दूंगी जिनको मुझ पे यकीन नहीं। गेती, गेती मुझे तुम पे यकीन है। हाँ तो फिर पूछने की क्या जरूरत है बदर? गेती मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं हाँ क्या गेती, मैं ऐसे तुम्हें यहाँ से लेके नहीं जा सकता। तो बात यहां तक पहुंच गई है बदर, मेरी घर वापसी मेरी वजाहत से मशरूत है। तो सुन, अगर ये बात है तो मैं कोई वजाहत नहीं दूंगी। जी फरिया बीवी, कहिए। बदर, समीर घर से चला गया है, मुझे डर है कहीं वो हैदराबाद ना आ गया हो गीती से मिलने के लिए। फरिया बीवी, वैसे ये आपके घर का अपना मामला, आप इसमें मुझे इन्वॉल्व क्यों करती हैं? तुम्हारी हमदर्दी में, कहीं ऐसा ना हो या तुम्हारे घर को भी लपेट में ले ले। बदर ध्यान रखना, अगर वो आ भी जाता है तो मैं उसे रोक तो नहीं सकता ना। आज़ाद शख्स है वो, कहीं भी आ जा सकता है अपनी मर्जी से। आज़ाद शख्स है वो, कहीं भी जा सकता है, बस ये ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारे घर ना आ जाए केती से मिलने, क्योंकि उसके हैदराबाद आने का मकसद यही है। जी अगर वो आया भी तो मैं देख लूंगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कहीं वाकई समीर हैदराबाद में तो नहीं, और कहीं वो केती से मिलने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जी जी आपा, अच्छा चले मैं भेज देती हूँ आपके साथ। हाँ ये ठीक है, नौरीन से कहें लेती भी जाए से। एक सेकंड। हाँ हाँ, बस ये ध्यान कीजिएगा देर ना हो जाए बहुत कहीं। हाँ चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ क्या हुआ? या मेरे अल्लाह, क्या प्याज गोश्त पकाने चली थी? एक प्याज काफी होता है एक सालन में? क्या हो गया, कब समझ आएगी तुझे रानिया? आपा का फोन था, वो नौरीन तुझे लेने आ रहे हैं, बाजार लेके जाएंगे अपने साथ। जी अच्छा अम्मी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। आज भी इस ऑफिस का मालिक ना मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे अंडर आता है। बढ़िया यार, तुम मुझसे ना बातें इस तरह की नहीं किया करो। ये कौन सा तरीका है बैठने का भाई? ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। क्यों, तुमसे मतलब? मेरे मामू की चेयर है ना,
یہ اقبال صاحب کی سیٹ ہے. تو یہ خیال تمہیں اس دن نہیں آیا تھا جب تم یہاں خود بیٹھے ہوئے تھے؟ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے, لیکن پھر میں نے ٹھیک بھی کر لی تھی اپنی غلطی. اور ویسے میں اس وقت وہاں پر بیٹھا کام کر رہا تھا. تم جاؤ یہاں سے, جا کے اپنے ڈیسک پہ جا کے اپنا کام کرو. ہائے, اب یہ مجھے تم بتاؤ گے کہ اس آفس میں کیسے کام کرنا؟ ہاں یہی بتائے گا تمہیں. اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ بیٹھو, بلکہ میں تو کہتا ہوں لیٹو, بیڈ روم ہے تمہارا یہ. ماموں میں تو بس, میں بس وہ کیا, باس ہے یہ تمہارا. اور بدر مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی, اس نے اگر تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو دھکے مار کے باہر کیوں نہیں نکالا اسے؟ ماموں میری بات تو سن لیں. چپ کرو, جتنا کہا ہے اتنا سنو, زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی بولیں. ظفر, کب سے میں آپا کو فون کر رہی ہوں, فون کیوں اٹھا رہی ہیں وہ میرا؟ یار آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کیا مطلب, تم کس طرح سے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ جیسے بات کرنی چاہیے نا آپ سے ویسے بات کر رہا ہوں. لحاظ مروت سب کچھ ختم ہو گیا تمہارے اندر سے؟ تمہاری خالہ ہوں میں, بھول گئے؟ اچھا خالہ ہیں آپ میری. لحاظ وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے والے کو بھی نا رشتے کا پاس ہو. آپ جب میری ماں سے اس طرح بات کر سکتی ہیں تو میں نہیں کر سکتا کیا؟ اوہ اچھا, تو آپا نے تم سے ساری باتیں کہہ دی. بھائی ایک بات تھی ختم ہو گئی, کیا پوری زندگی جھگڑا کرتے رہنا ہے اس پہ؟ جھگڑا اس وقت آپ نے شروع کیا, میں نے نہیں. تم نے کبھی اپنی ماں کے تانے سنے؟ میں نے سنے, میں نے برداشت کی ان کی باتیں. جب دیکھو باتیں سناتی رہتی ہیں مجھے. ارے ایک بات میں نے کر دی تو کتنا برا لگی انہیں. ہاں اور آپ نے ایک بار میں ہی ساری کسر نکال دی نا. ظفر مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا, آپا سے بات کرواؤ میری. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا, آفس میں ہوں میں اس وقت اور اماں گھر پر ہیں. اوہ تو تم نے فیکٹری بھی جانا شروع کر دیا. ماں بیٹے نے مل کے ضرور کوئی کھچڑی پکائی ہوگی. میرے پاس نا آپ کی فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے. خدا حافظ. امی اس کی کیا ضرورت تھی, پہلے بھی تو آپ نے کتنا سارا زیور بھیجا تھا. اچھا وہ اور بات تھی, یہ تو بڑی خوشی سے میں نے تمہارے لیے لیا ہے, اور یہ سیٹ خاص تمہارے ابا نے جا کر چوز کیا. پسند نہیں آیا؟ نہیں, اچھا ہے. گیتی کیا بات ہے, پھر کل سے دیکھ رہی ہو تم ذرا چپ چپ بجھی ہوئی سی ہو, سب ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں, آپ کا وہم ہے. شاید بدر یاد آ رہا ہے. یہی بات ہے نا. کیسا لگا ہماری بیٹی کو سیٹ؟ بہت اچھا ہے ابا, اچھا ہے. کہہ تو رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس کو خاص پسند نہیں آیا. ارے بھائی اگر ایسی بات ہے تو آپ اسے بازار لے جائیں نا, اگر اس کی پسند کا سیٹ لے دیں اسے. اس کی کیا ضرورت ہے ابا, آپ کو پتا تو ہے میں اتنا زیور کہاں پہنتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, جیسے تمہاری مرضی. اچھا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو, مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی. ادھر آؤ. میں یہ سوچ رہا تھا بیٹا کہ بدر کو تو ہم نے دعوت دے ہی دی ہے, معاملہ تمہارے سسرال کا ہے, ہمیں خود جا کر انہیں دعوت دینی چاہیے. کیا ضرورت ہے کسی دعوت یا تقریب کی, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. اسے بھی میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ. ہاں وہ تو بیٹا تم جتنے دن چاہے مرضی رہو, اور دعوت کون سا کوئی کل پرسوں کرنے لگے, ابھی تو میں صرف دعوت دینے جانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں کرنی نا کوئی دعوت یا تقریب ابا. کیوں بیٹا, تم نے ابھی تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا؟ نہیں ابا ایسی بات نہیں ہے, ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ بس
मुझे लग रहा है इस तरह लोग बातें बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना। मुझे तुमसे इस गफलत की उम्मीद नहीं थी जानदाद। अगर समीर यहाँ था तो तुम्हें मुझे फौरन बताना चाहिए था। देखो साहब, समीर साहब ने मना किया था जी। बोल दो कि समीर के कहने की ज्यादा अहमियत है, मगर बेगम साहब के कहने की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में। नहीं बेगम साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं थी तो फिर उसके पहुंचते ही तुम्हें मुझे फौरन इत्तला करनी चाहिए थी। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ समीर है कहाँ, कहाँ गया हुआ है? पता नहीं जी, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले हैं, बहुत जल्दी में थे, कहीं जाना था उन्हें। ये इस वक्त समीर को कहाँ जाना था? कहीं वो फरिया बेटा, समीर यहां से भी चला गया है, कहीं कराची तो नहीं आया? अरे यहाँ यहाँ क्यों आएगा वो? उफ खुदाया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़का क्या कर रहा है। बेटा उसे बदर के घर का एड्रेस मालूम है? आंटी उसे पता है उसके घर का। मेरे अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वहां चला गया? मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, तुम किसी तरह बदर को फोन करो, उसे पता करो कि वहां तो नहीं आया। आंटी आप परेशान मत हो, मैं पता करके आपको बताती हूँ, रिलैक्स। ठीक है। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप मंगनी पे चले, इसका जोड़ा तो बनता है, हम सब के लिए क्यों ले आई आप? बस ये सब कुछ ना अपने होने वाले दामाद से कहो, मैंने इसी के कहने पर किया सब कुछ। अरे बेटा, अम्मी ये देखे, खाला कितना प्यारा जोड़ा लेकर आई है आपके लिए। या मेरे हुसैन, ये बदर नजर नहीं आ रहा, ऑफिस से नहीं आया? नहीं आया है, अभी पहुंचा है, उसके सर में जरा दर्द था तो कमरे में लेटा हुआ है। अच्छा अच्छा, और बीवी तो नहीं आई होगी अभी तक, है ना? नहीं, और अब आएगी भी नहीं। जी, ये बदर का घर है। अच्छा रुके, मैं भी भाई को बुला के लाऊं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? ये बदर से मिलना है। बदर से या गेती से? जमशेद, कौन है ये बेटा? खाला, ये वही लड़का जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। क्या यहाँ क्या करने आए हो तुम? अम्मी वो ये कह रहे थे कि इन्हें भाई से मिलना है। भाई से मिलना नहीं आया, गीति से मिलना आया। उसी? क्या ये वही लड़का है जिस कदर बेगैरत है, तुम्हारे दरवाजे तक चलकर आ गया? गेती का है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं गेती से मेरे बगैर नहीं जाऊंगा आज। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, जाओ। मैं गेती से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, जाओ। कोई शर्म है तुम्हें? ऐसे कैसे किसी के घर में दंदनाते हुए आके तुम उसकी बीवी से मिलने की बात कर सकते हो? अरे कोई तो लिहाज करो। बहुत कर लिया मैंने आप सबका लिहाज, इस लिहाज की वजह से आज मैं और गेती साथ में। देखा खाला आपने किस तरह ये इस घर की इज्जत का नाम ले रहा है? कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा इन दोनों को। तुम होनी तो मैं जा रही हूँ। भाई, चल 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 इसकी बातें सुनिए, आपने कैसी बातें करता है ये? मारना है तो अपनी आवारा और बेहुदा बीवी को मारो। बस, मैं अपनी बीवी की बाहकबाजी की कसम उठाता,
वो ऐसी नहीं है जैसा तुम सब समझ रहे हो। उसने तो आज तक किसी को हंग उठा के नहीं देखा, और आप सब इस लोवर की बातों में यकीन कर रहे हैं। अगर गीति ऐसी नहीं है तो वो सब क्या था जो तुमने मुझे उसके बारे में कहा, अपने बारे में और गीति के बारे में? क्या वो सच था? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। खेती से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से भाई, तुम जाओ यहाँ से। कहना नहीं है वो यहाँ पे, ना हमारा कोई वास्ता है उससे। झूठ बोल रही हैं आप, और झूठ बोल रहे आप सब। फ्रॉडी हैं आप लोग। मैं खेती से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तुमसे कहा है ना कि वो यहाँ नहीं है, वो अपने बाप के घर चली गई है। जो करना है वहां जाके करो, लेकिन निकलो यहाँ से, निकलो। खाला आप ठहरे, इसका बंदोबस्त तो मैं करता हूँ। छोड़ दो जमशेद, इनके झगड़ों में मत पड़ो। चलो मेरे साथ घर, बस चलो। रुक जाए अम्मी, अगर बदर को इस घर की इज्जत का पास नहीं है तो मैं इस घर की हिफाजत करूंगा। चलो मुझे छोड़ दो इसे। लेकिन एक बात याद रखना, केती सिर्फ मेरी है, उसे तुम्हारा रहने नहीं दूंगा। गेती मेरा सब कुछ, उसे मैं तुम्हारा होने नहीं था। अगर गेती ऐसी नहीं है तो वो सब क्या था जो तुमने मुझे उसके बारे में कहा, अपने बारे में और गेती के बारे में? वजाहतें नहीं चाहिए बदर, एक लफ्ज में जवाब चाहिए। गीति मेरी बात सुनो। सच या झूठ? जा तुझे माफ किया। क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ, पता नहीं सब ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन आंटी ने हमें इस वक्त हैदराबाद बुलाया है। इस वक्त सुबह चले जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं आसान, सुबह तो बहुत देर हो जाएगी, आप प्लीज चलिए। ऐसा क्या हो गया बताओ तो सही मुझे। आप आइए तो सही, मैं आपको गाड़ी में सब कुछ बता दूंगी, मैं चेंज करके आती हूँ। चलिए। नफीसा जी, मुझे लग रहा है कि गीती खुश नहीं है, उदास है, परेशान है। तुमने देखा था कि यहां रहने पे वो किस तरह इसरार कर रही थी, और जब ससुराल जाने की बात हुई तो कुछ अजीब सी हो गई थी। आपको गलत लगा इकबाल, गीति बदर से बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि मुझे तो लग रहा है वो उदास इसलिए कि उसको याद कर रही है। गीति खुश नहीं है, कोई ना कोई बात तो है। बात कोई नहीं, बस आप गीति को लेकर जरा ज्यादा हसास हो। गीति मेरे बहुत करीब है, कोई ऐसी वैसी बात होती तो सबसे पहले मुझे बताती। तुम एक काम कर सकती हो, तुम एक दफा गीति से दोबारा पूछ लो। ठीक है, पूछ लूंगी। आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं है। अल्लाह खैर करे। दवाई खाएं। जहर ला दो मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। अम्मी क्यों ऐसी बातें करती हैं? एक तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रही। नहीं होना ना मुझे ठीक, नहीं खाऊंगी दवाई। क्या हो गया अम्मा, खुद को क्यों अजियत दे रही हैं? इससे क्यों नहीं कहती कि इस किस्से को अब खत्म कर दे? तानिया क्या हो गया, तुम क्यों कर रही हो उस तरह की बातें? तुम क्यों क्यों ना करूं उस तरह की बातें? और वो जो तुम्हारी लाडली गेती हमारे मुंह पर कालक पोत रही है, वो नहीं दिखती तुम्हें? अम्मी अम्मी अम्मी, अगर समीर यहां पर आया था तो इसमें गेती की क्या गलती है? तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। गेती की मोहब्बत ने इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, इसमें क्या नया है अम्मी? अम्मी आपने सुना नहीं वो लड़का क्या कह रहा था?
वो कह रहा था कि बदर ने उसे खुद बताया है कि गेती के कितने लड़कों के साथ चक्कर थे, उसके बावजूद इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। तुम जानते थे क्या ये सब कुछ उस लड़की के बारे में पहले से? नहीं अम्मी, वो सब कुछ गलत कह रहा था, झूठ है ये सब। तुमने नहीं बताया उसे ये सब कुछ? क्या हुआ, क्यों चुप हो, बताओ ना। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो, गेती नहीं आएगी अब इस घर में। गेती प्लीज प्लीज फोन मत रखना। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बस मुझसे एक बार मिल। और अगर तुमने इनकार किया तो मैं अंकल इकबाल को सब कुछ जाके सच सच बता दूँ। मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर आ रहा हूँ, मुझसे मिलो। अगर समीर ने गेती को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो इससे पहले कि समीर गेती को बताए मैं खुद एतराफ जो कर लूँ। फरिया बेटा ये तो बहुत देर हो जाएगी, मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारे घर जाके इकबाल भाई से खुद बात कर लूँ। नहीं नहीं आंटी, आंटी भाई साहब से कोई बात नहीं कीजिएगा, मामला बहुत बिगड़ जाएगा, आपको आइडिया नहीं है, प्लीज़ उनसे कोई बात नहीं कीजिएगा। तो मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी मैं घर आ रही हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, प्लीज़ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, प्लीज़ मैं संभाल लूँगी। ठीक है बेटा, लेकिन बस तुम लोग फिर जल्दी पहुँचो, बिकॉज मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। आप प्लीज परेशान मत हो, टेंशन मत ले, अपना ख्याल रखिएगा, मैं बस पहुंच रही हूँ। ऑफिस ओके। कितने घटिया हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करते हुए? किति मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सच जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में करवाहट आई है। अब क्या नई कहानी लाए हो मुझे सुनाने के लिए? जब से मेरी जिंदगी में आए हो तकलीफ और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया तुमने मुझे। यदि धोखा मैंने नहीं बदर ने दिया है, यदि हम दोनों को उसने धोखा दिया है, इनफैक्ट हम दोनों को बर्बाद करने वाला बदर है। खबरदार, बदर मेरा शौहर है, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं, समझ आई है तुम्हें? जिस बदर के प्यार में आज तुम अंधी हुई भी हो, उस बदर ने हमारी मोहब्बत को बर्बाद किया। तुम्हें पता है उसने क्या क्या नहीं कहा मुझे तुम्हारे खिलाफ करने के लिए? You have no idea all the stuff that he's been saying about you. तुम्हारे पता नहीं किस किस से अफेयर रह चुके, तुम कितनी बदकिरदार हो। This is what he's been saying. झूठ झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह, आज फिर झूठ बोल रहे हो तुम। देखो केती प्लीज, मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसे घटिया और झूठे और फरेबी इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हें उससे तलाक लेनी होगी। इसी घटिया बात की उम्मीद थी मुझे तुमसे। पता है समीर, सारी दुनिया भी गवाही देगी ना अगर कि बदर ने मेरे किरदार पर इल्जाम लगा है, तो मैं नहीं मानूंगी। इतना मान है मुझे उसकी मोहब्बत पर, और तुम निकलो यहां से, नफरत करती हूं मैं तुमसे।
आओ बदर। देखो बदर, ये घटिया इंसान क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुमने मेरे किरदार के खिलाफ बात की है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलो ना कि ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बोलो बदर, बताओ इसे कि ये झूठ बोल रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना? दीदी को दर्द है। वजाहतें नहीं चाहिए बदर, एक लफ्ज में जवाब चाहिए। दीदी मेरी बात सुनो, सच या झूठ? समीर, समीर सच कह रहा है। क्या बात है, राफिया कह रही है तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, बुखार है और दवा भी नहीं खा रहे हो, क्यों भाई है? कोई दवा असर नहीं करेगी अम्मी। मैं समझती हूँ तुम्हारी कैफियत को बेटा, पर तुम्हें हौसला करना होगा। सब कुछ तो मैंने बर्बाद किया है, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। कैसे? तुम क्यों खुद को इल्जाम दे रहे हो गेती के किए की? तुम क्यों अपने आप को सजा दोगे? बस अब खत्म करो इस किस्से को, इससे ज्यादा जिल्लत नहीं उठा सकते। अभी मैं इससे ज्यादा नदामत को बोझ नहीं उठा सकता। अरे कैसा बोझ, कैसी नदामत, वो नहीं अच्छी लड़की तो नहीं है, खाओ उसे। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है और ये बात मैं जानता था, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, लेकिन वो सच मैं अभी तक किसी को नहीं बता सका, सच कह रहा हूँ। कैसा सच? वही जो वो कल समीर कह रहा था। हाँ तो यही बता रहा था ना कि तुमने उसे गेती के किरदार के बारे में बताया था कि वो नहीं है अच्छी लड़की, अगर ये सच है तो फिर कैसी नदामत। मैंने समीर को बताया था वो सब कुछ अम्मी, लेकिन मैंने उसे गलत बताया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने उसे सब कुछ गलत बताया था, इल्जाम लगाया था मैंने उसे। इल्जाम लगाया था गेती पे? कैसा? मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया था ताकि समीर गेती से दूर हो जाए, अपने दिल से उसे निकाल दे, क्योंकि अम्मी मैं गेती को चाहता था, उससे मोहब्बत करता था और मैं उसे समीर का होता नहीं देख सकता था, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया। मैं इल्जाम लगाया उस पर इसलिए कि तुम उसे पसंद करते थे,
जिसे पसंद करते हैं उसकी इज्जत को ऐसे तो बेमोल नहीं करते हैं। अम्मी मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था, मेरी समझ बूझ सब खत्म हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अगर मुझे कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ ये कि गीति मुझसे दूर जा रही थी और समीर के करीब हो रही थी और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। मैं बहुत तकलीफ में था, नहीं मुझे नहीं कुछ पता चला ये मैंने कब कर दिया। मैंने ये गीति के साथ क्या फोन कर रही हूं लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा। समीर रुको, कहां थे तुम? सारी रात गायब थे। अब तो आपके सामने हूं ना, नजर आ रहा हूं ना आप लोगों को मैं। समीर यार क्या हो गया, किस तरह बात कर रहे हो तुम? किसी से कोई बात नहीं करनी प्लीज। लेकिन हमें तो बात करनी है ना समीर, तुम आखिर चाहते क्या हो? आपको तो मैं 10 दफा कह चुका हूं कि इस मामले से बाहर रहें। नहीं रह सकती मैं इस मसले से दूर, गीति मेरी भतीजी है और ये उसकी जिंदगी का मामला है। बेटा रिलैक्स। समीर तुम कल बदर के घर गए थे? जी। क्या समीर तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? मैं अब वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, जो मुझे ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। मैं किसी की नहीं सुनने वाला अब यहां पे। समीर तुम्हारा ये पागलपन मेरे खानदान की इज्जत को बर्बाद कर देगा और मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। तुम क्यों उस मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो बोलो? मासूम? मासूम वो लड़की जो कल तक आपके लिए बद किरदार, चालाक और पता नहीं क्या क्या थी, आज वो आपके लिए मासूम हो गई। दोगलेपन की भी कोई इंतहा होती है? समीर बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजियां और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। मैं तुम्हारी जर्मनी की टिकट करवा रहा हूं, तुम वापस जाओगे। मैं कहीं नहीं जाने वाला गीति के बगैर, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? खैर फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है? बाबा प्लीज आप गीति से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, उसने मुझे सख्ती से मना किया था। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है, परेशान लग रही है। पता नहीं ठीक हूं या नहीं हूं ठीक। मुझे पता है आप रात वाले वाकये से परेशान हैं। हमें किसी की बात पर यकीन तो नहीं करना चाहिए ना? एक मौका तो देना चाहिए ना भाभी को सफाई पेश करने का। सही कह रही है, ऐसे ऐसे कैसे सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, बड़ी गलत बात है। मैंने भी तो वही किया। अरे अम्मी आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हैं? उठें जल्दी करें, देर हो रही है, मुझे टेलर से कपड़े भी लेने हैं। नहीं भाई मेरे तो सर में बहुत दर्द है, कल रात से सारा जिस्म अलग है, दर्द कर रहा है। मैं नहीं जा सकती, कल वल देखेंगे। अम्मी देखें पहले ही गीति की वजह से बहुत लेट हो चुका है और मुझे अपने कपड़ों पे काम भी बनवाना है। अम्मी प्लीज चल लेना।
कहा ना, नहीं है हिम्मत मुझ में। तुम दोनों चली जाओ, जाओ तुम दोनों चली जाओ। हाँ ठीक है राफिया, चलो जल्दी करो जल्दी करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अम्मी उसे एक बार मेरी बात सुनना चाहिए थी ना। उसे बताना चाहता था मैं उसे कितना, अम्मी मैं मोहब्बत, ये मैंने उसकी मोहब्बत में किया। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं माफी मांगती हूँ उसे। जा तुझे मां।